वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे आप? सो गाइज, मुझे बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई, बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली पूछा था कि यार आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं जो हाईवे पे मिलते हैं वो एक तो बहुत एक्सपेंसिव और खाने में भी उतना मज़ा नहीं आता। तो उन लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये वीडियो है। जैसे कि आप मेरे ऊपर और साइड में देख पा रहे होंगे, ये आगरा यमुना एक्सप्रेसवे है। अगर आपको टेस्टी और लजीज खाना खाना है तो आप जेवर वाले कट से उतरिए। अगर आप आगरा से आ रहे हैं तो रास्ता पीछे से वहाँ आ रहा है, और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप सामने देखिए, वो रास्ता वहाँ से आ रहा है। आप दोनों जगह से उतरिए और अलीगढ़ की तरफ चल दीजिए। जैसे ही पहला बोर्ड आएगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा शर्मा जी का ढाबा। और क्या टेस्ट है इनके खाने का ये तो व्लॉग में आपको आगे पता लग ही जाएगा। तो ये उन लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे जो इस हाईवे पे अक्सर ट्रैवल करते हैं, तो चलिए इस खाने का लुत्फ़ उठाते हैं। तो हमारे साथ हैं हमारे बडिंग यूट्यूबर प्रिंस जी। तो प्रिंस भैया कहाँ आए हैं आप? हम आए जी यहाँ पे शर्मा जी होटल पे खाना खाने के लिए। और आज आप क्या खाने वाले हैं, कुछ आइडिया? आज हम खाने वाले हैं, सोच रहे हैं कुछ तड़का वड़का खाने के लिए, जिससे हमारे जो यूट्यूबर फैमिली हमारी वो थोड़ा देख के ही बोले कि हाँ भाई खाना का तगड़ा है। तो क्या कहते हैं, एक दाल तड़का और एक पनीर हो जाए कुछ बढ़िया सा? एकदम कढ़ाई पनीर की सोच रहे हैं, कढ़ाई पनीर हो जाए एकदम। और तंदूर वाली रोटी के साथ खाएंगे, बिल्कुल उसे खा के देखते हैं एक बार क्या होता है। तो चलिए। तो भैया हमारे लिए बना रहे हैं कढ़ाई पनीर और दाल तड़का। भैया आपका नाम क्या है? इमरान भाई। इमरान भाई आप कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी करते हो यहाँ पे? एक से एक, रात को एक बजे से लेके दोपहर में एक बजे तक? दोपहर से लेके, अच्छा दोपहर से लेके रात को, चलो ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आ गई हमारी तड़के वाली दाल,
एकदम ताज़ा ताज़ा तड़का लगा हुआ है इसमें और अभी भी इसमें से तड़के की खुशबू बहुत प्यारी सी आ रही है, तो चलिए अब इनको खा के टेस्ट करते हैं। प्रिंस भाई आपको खाना कैसा लग रहा है? खाना एकदम लजीज है, खाने का स्वाद एकदम भयंकर वाले आ रहा है।